मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं। अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है।